लास्ट टाइम में स्टर्लिंग फार्मूला हुआ था, ये अगला है बेसल्स फार्मूला। एक बार हम सोचे हुए थे हम सारा पीडीएफ एक बार में अपलोड कर देंगे, लेकिन दिक्कत यही है कि देखने के बाद ये पता चलना चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हर कोई उसको समझ पाएगा, ये दिक्कत भरी बात है। जैसे रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया जिसमें प्रिडिक्टर करेक्टर का इस्तेमाल होता है, तो नॉर्मली लोग ये ना कंफ्यूज हो जाए कि प्रिडिक्टर क्या, करेक्टर क्या, इनका मतलब क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए अब हम एक काम करेंगे, इस तरीके से लिख करके उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। जब साथ साथ लिखते हैं तो वो लंबा टाइम खींच जाता है, वो लंबा टाइम जो खींचता है उसकी वजह से वीडियो की एमबी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस तरीके से करके वीडियो बनाएंगे, ये जल्दी बनेगा और कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा तुम लोगों के एग्जाम के डेट आने से पहले, ये पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, चलो बेसल्स फार्मूले की शुरुआत करते हैं। बेसल्स फार्मूला जो होता है वो सीधे होता है y of x is equal to y0 plus y1 upon 2 plus u minus half delta y0, yani first forward difference delta y0 plus u minus 1 upon factorial 2 delta 2 y minus 1 plus delta 2 y0 upon 2 plus u minus half u upon साथ में आगे है into u minus 1 upon factorial 3 into delta 3 y minus 1 फिर प्लस u प्लस 1 इंटू यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर इंटू ब्रैकेट के अंदर में डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता जाता है। ये बेसल्स का फार्मूला होता है। इसका प्रूफ कैसे होगा वो देखना। अगर गॉस फॉरवर्ड फार्मूला याद हो तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का ही वापस इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले स्टर्लिंग में भी यही किया गया था, गॉस के फॉरवर्ड फार्मूले को और बैकवर्ड फार्मूले को आपस में ऐड कर दिया गया था, तो वहां पता चलता है वो कुछ और नहीं, जो आपका गॉस का स्टर्लिंग फार्मूला होता है वो गॉस का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का एक एवरेज होता है, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद भाई 2 से डिवाइड करते बढ़ते थे। इसमें देखना, बाय द गॉस फॉरवर्ड फार्मूला y ऑफ x इज इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc2 डेल्टा 2 y-1 प्लस u plus 1 c3 डेल्टा 3 y minus 1 प्लस u plus 1 c4 डेल्टा 4 y minus 2 प्लस u plus 2 c5 डेल्टा 5 y minus 2 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। ये स्लाइड अलग है, इसको ना देखना, ये फार्मूला इतना और अप टू सो ऑन चलता जाता है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब इसमें जो चेंजिंग करने जा रहे हैं उस चेंजिंग को देखना। सबसे पहला जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है डेल्टा वाई जीरो, वो हम लोग जानते हैं एक कदम आगे बढ़ के पीछे वाले से डिफरेंस लेना, डेल्टा वाई जीरो बराबर वाई वन माइनस वाई जीरो। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट वाई जीरो को इधर शिफ्ट करो, डेल्टा वाई जीरो को उधर लेकर के जाओ, तो वाई जीरो बराबर होगा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये 1 नॉर्मली नंबर वाला है, ये रोमन अंकों में माना गया है। इक्वेशन 1 अब गौर करना फिर, इसका मतलब y माइनस 1 कितना होगा, y 0 से नकल मिलाना, y 0 इज इक्वल टू एक स्टेप आगे की एंट्री y 1 माइनस इसी y 0 पर पहला फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y 0। तो y माइनस 1 का मतलब है एक स्टेप आगे, अभी हो y माइनस 1 पर एक स्टेप आगे आएंगे तो y 0 पर आए, y 0 पर और फिर माइनस इसका पहला फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस 1 इज इक्वल टू y 0 माइनस डेल्टा y माइनस 1। सेम कंडीशन, ये डेल्टा 2 है, ये मिट गया है, एक मिनट इसे हम लिख दे रहे हैं वापस, डेल्टा 2। अब गौर करना, पूरे पर ये डेल्टा ऑपरेटर को 2 टाइम्स ऑपरेट करा दो, तो जब ऑपरेट कराएंगे डेल्टा 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू y 0 था, तो ये सेकंड डिफरेंस डेल्टा 2 y 0 माइनस, आप डेल्टा 2 को ऑपरेट करा रहे हो ऑलरेडी डेल्टा है, तो डेल्टा 2 ऑपरेट किया और डेल्टा मौजूद डेल्टा 3 y माइनस 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देना। आज इसी तरीके से जो डेल्टा 4y माइनस 2 होगा वो कितना होगा, डेल्टा 4y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 पर हो एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टेप आगे तो डेल्टा 4y माइनस 1, जितना यहां वही यहां, डेल्टा 4y माइनस 1 माइनस एक ज्यादा डेल्टा 5 किसका y माइनस 2 का। सेम कंडीशन एक पैटर्न पकड़ करके चले आए हैं एटसेट्रा, ऐसे ही और आगे चलता जाएगा। अब एक काम करो, ये जो गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला लिखा गया है इसको हम वापस से रीराइट करते हैं, एक तिकड़म भिड़ाया जाना इसको कहते हैं, एक तिकड़म भिड़ा करके इसको फिर से रीराइट करते हैं, कैसे होगा वो देखना। लिखा गया है नाउ रीराइट द इक्वेशन 1 एज, अब आप इक्वेशन नंबर 1 को वापस रीराइट कीजिए, कैसे करेंगे वो गौर करना। y0 को ये 1 y0 है, इसको दो हिस्से में तोड़ दो, y0 हाफ प्लस y0 हाफ,
यानी कि आधा आधा कर दिया इसको, तो y of x equal to y0 upon 2 plus y0 upon 2 ये बना। फिर इसी तरीके से प्लस ये है uc1, जब uc1 करेंगे तो uc1 की वैल्यू u आएगी, तो ये हो गया u डेल्टा y0, सामने लिखा दिया है u डेल्टा y0। इसी तरीके से अगला देखना, ये हो गया प्लस uc2 डेल्टा 2 y माइनस 1, uc2 डेल्टा 2 y माइनस 1, इसकी अगर वैल्यू देखो ना तो uc2 होता है u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, हम इसको निकाल करके दिखा दे रहे हैं यहां पर, uc2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल u अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये होता है u माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो गौर करो ये टूटेगा u u माइनस 1 u माइनस 2 फैक्टोरियल, u माइनस 2 u माइनस 2 कैंसिल आउट, केवल अपने पास बचेगा u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, लेकिन हम क्या करेंगे ना इसको भी दो हिस्से में ब्रेक कर देंगे, तो गौर करो हाफ u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y माइनस 1, ये वाला डेल्टा 2y माइनस 1 अभी आधा लिखा, आधा फिर से एक बार लिखेंगे, ये स्लाइड शायद पूरी ना आ रही हो, अब ये पूरी साइड आएगी, अब इस पर गौर करना दोनों फार्मूले साइड बाय साइड नजर आ रहे हैं, ये गौर करना हमने इसको uc2 को तोड़ दिया दो हिस्से में, uc2 होता है u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसको आधा आधा ब्रेक कर दिया, ये बना हाफ u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y माइनस 1 और फिर इसी को लिख दिया हाफ, तो आधा आधा जुड़ करके वापस एक बन जाता है, ये रहा हाफ u u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y माइनस 1, बस अपने को इतने की रिक्वायरमेंट है, तो आगे वाला जो ये बचा हुआ था ना u plus 1 c3 डेल्टा 3y माइनस 1, इसको एज इट इज हमने लिख दिया, ये सिंपली हो जाएगा u plus 1 u u माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, और अब जो आया ना इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब अगला काम क्या होगा, अभी जो हमने यहां पर रोमन में इक्वेशन 1 और 2 निकाला था इनका इस्तेमाल हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, ठीक चेक करना। सबसे पहला काम y0 की जगह y1 माइनस डेल्टा y0 पुट किया जाएगा, डेल्टा 2y माइनस 1 की जगह डेल्टा 2y0 माइनस डेल्टा 3y माइनस 1 पुट किया जाएगा, लिखा क्या है यूजिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 2। चलो गौर करते हैं, y ऑफ x ध्यान से सुनना, y ऑफ x इज इक्वल टू यहां से मिलाते चलते हैं y0 अपॉन 2 हो गया प्लस प्लस इस y0 की जगह पर हम बदल देंगे, पहले तो 1 अपॉन 2 इधर रख दिया, अब y0 को देखना y0 की जगह पर y1 माइनस डेल्टा y0 ये रख दिया y1 माइनस डेल्टा y0 ठीक प्लस इसी तरीके से u डेल्टा y0 को एज इट इज छोड़ दिया। अगला हिस्सा देखना हाफ हाफ u u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 u u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 इस हिस्से को एज इट इज लिख दिया। अगला हिस्सा लेकिन हाफ मौजूद है u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 u u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मौजूद लेकिन डेल्टा 2 y माइनस 1 को चेंज कर दिया, ये रहा डेल्टा 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 y 0 माइनस डेल्टा 3 y माइनस 1 ये सामने डेल्टा 2 y 0 माइनस डेल्टा 3 y माइनस 1 सफिक्स में और अगला वाला हिस्सा फिर एज इट इज प्लस u प्लस 1 u u माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन चलते गए। फिर गौर करना इसे फिर सुधार करके हम लिखे हुए हैं यूजिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल किए थे ये चीजें निकल के आई थी। अब सुनो इसको सुधार करके कैसे लिख रहे हैं, यहां ऊपर लिखे हुए हैं पुराना वाला मिटा दिए हैं y ऑफ x इज इक्वल टू ध्यान देना y0 अपॉन 2 प्लस y1 अपॉन 2 इनको एक साथ लेकर आओ तो ये बनेगा y0 प्लस y1 अपॉन 2 ये सामने लिखा है y0 प्लस y1 अपॉन 2 स्लाइड हम मिटा करके उसके बाद फिर तब तक वीडियो रोके हुए थे ये दोबारा लिखा गया है फिर इस तरीके से हम सारा काम सिर्फ और सिर्फ तेजी से खत्म हो और एमबी ज्यादा ना बने जिससे कंप्रेस करने का टाइम बच जाए मेरा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ध्यान देना ये है y0 upon 2 plus y1 upon 2 इनको एक साथ लाया y0 plus y1 upon 2 अब गौर करना इन पे नीचे टिक लगाए हैं ठीक अब इन दोनों को एक साथ ला रहे हैं ये डबल लाइन किए हुए हैं ध्यान देना u डेल्टा y0 और यहां से माइनस हाफ डेल्टा y0 तो डेल्टा y0 कॉमन कर सकते हैं डेल्टा y0 कॉमन आया देखना यहां से कितना बचा प्लस u और यहां से कितना माइनस हाफ तो u माइनस हाफ डेल्टा y0 ये बन गया। अगले तरफ ये देखो इस तरीके का सिंबल बनाए हैं अब कि ये हिस्सा और ये हिस्सा एक साथ ला रहे हैं ये टुकड़ा जब अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा इन टू के साथ आएगा
तो आप गौर करो कितना कॉमन कर सकते हैं, 1/2 कॉमन आएगा, u u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1/2 u u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 पूरा कॉमन निकाल लिए, 1/2 u u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन। यहां से बचा डेल्टा 2y-1, ये पुट कर दिया, और प्लस डेल्टा 2y0 ये पुट कर दिया। अब की गौर करना फिर कितने हिस्से साथ ला रहे हैं, अब ये वाला हिस्सा ना इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये है डेल्टा 3y-1 यानी दिस इनटू डेल्टा 3y-1 और साइन है माइनस का, और ये एक हिस्सा पड़ा है, तो इनको ला रहे हैं इनके साथ। देखो सब पे कर्व बनाए हैं, इस तरह कर्व लाइन बनाए हैं, गौर करना क्या क्या कॉमन आ सकता है उस पे गौर करो, u u-1 फैक्टोरियल 2 और जरा इसको तोड़ो 3 into factorial 2, तो जब ये फैक्टोरियल 3 टूटेगा 3 into factorial 2, तो u u-1 फैक्टोरियल 2 दोनों जगह मौजूद, u u-1 फैक्टोरियल 2 कॉमन कर लिए। अंदर में जो बचा उसे लिखते हैं, ये तो कॉमन आ चुका है, तो अंदर में अच्छा एक चीज और, डेल्टा 3y-1 उसको भी बाहर निकाल दिए, डेल्टा 3y-1। अब अंदर जो बचा वो गौर करना, हाफ बचा माइनस साइन के साथ, तो माइनस हाफ है ये पूरा हम लिख दे रहे हैं, ये है माइनस हाफ, ए ये रहा माइनस हाफ। जो लोग ध्यान नहीं दिए वापस ध्यान दे, u u-1 फैक्टोरियल 2 u u-1 और 3 into factorial 2 में ये फैक्टोरियल 2 ये बाहर निकाल लिया, डेल्टा 3y-1 इसको दूसरे साइड बाहर निकाल लिया, पहले में जो बचा वो बचा 1/2 विद माइनस साइन, लो 1/2 विद माइनस साइन, दूसरे में क्या बचा u+1 और नीचे 3 into factorial 2 में फैक्टोरियल 2 बाहर, तो 3 बचा u+1/3 और ये बाहर है डेल्टा 3y-1 प्लस अप टू 1। फिर इसको सजा रहे हैं, वापस देखना इधर वाले हिस्से पर, इधर वाले हिस्से पर आए तो इसको हम फिर से कैमरा घुमा दे रहे हैं, ध्यान देना लिखा गया है y(x) = y0 + y1/2, ये हिस्सा हुआ ठीक, ये यहां से लिख रहे हैं पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया गया, फिर u-1/2 delta y0 ये रहा u-1/2 delta y0 ये मौजूद है। अगला हिस्सा देखा फिर कैसे लिखा गया है, ये जो यहां पर था 1/2 इस 1/2 को अंदर भेज दिए हैं, तो ये बन गया u u-1 factorial 2 delta 2y-1 plus delta 2y0, जो बाहर 1/2 था उसको अंदर भेज दिए अपॉन 2 आ गया, ये हिस्सा मेरे ख्याल से वो तुम लोगों को वीडियो में किनारे वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा। फिर अगला देखना और किस तरह से बैलेंस हुआ, लास्ट वाला देखना ये जरूरी वाला हिस्सा है, यहां पर अगर एलसीएम दिया जाए तो यहां एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, एलसीएम 6 आने पर गौर करना, 2 + 3 = 6 यानी -3, 3 × 2 = 6 यानी +2u और फिर कितना +2, तो गौर करो 2u + 2 - 3, तो इसका मतलब ये 2u - 1 यानी ये अपने पास बन गया 2u - 1/6 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इस तरीके से, तो ये गौर करना ये बन गया अपने पास u-1/2 इनसे u-1 factorial 2 जो था इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो u-1/2 ये हुआ into u और अगले वाले हिस्से में u-1 और नीचे 6 को लिख दिया है factorial 3 इस हिस्से में। इसे एक बार फिर से ध्यान से देख लो, हम रुके हुए हैं यहाँ पर, जिनको ना समझ में आया हो वो लोग इसे वापस दोबारा समझेंगे, हम फिर से करके इसको दिखा रहे हैं, ध्यान देना ये हिस्सा हम हटा रहे हैं ठीक, यहाँ पर आना इसी हिस्से को सुधार रहे हैं, यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, जो लिखा गया इसको लिख सकते हैं u u-1 ठीक, फैक्टोरियल 2 को केवल और केवल 2 लिखा जा सकता है एज इट इज, अंदर वाले हिस्से में एलसीएम कितना आएगा 6, तो इधर एलसीएम 6 रख दिया, अब गौर करना 2 × 3 = 6 तो -3 सब इनटू में चल रहा है -3, फिर 3 × 2 = 6 तो +2u और फिर आगे हो गया +2 ये रहा, यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहां लिख रहे हैं, यहां देखना ये लिखा गया u u-1/2 ये हिस्सा और फिर ब्रैकेट के अंदर में जो हुआ इसको काट पीट रहे हैं, ये लिखा गया 2u-3 + 2 दैट इज -1 अपॉन इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 ये रहा। फिर गौर करना इसको सुधार रहे हैं, दिस इज इक्वल टू u ठीक
ये तो u रहा, ये हो गया u माइनस वन, और इनको देखना फैक्टोरियल थ्री को बाहर ला रहे अपॉन फैक्टोरियल थ्री, इस टू को अंदर ले जा रहे, तो टू से टू कैंसिल आउट हुआ, यानी सिर्फ बचा u माइनस और वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ये रहा। गौर करो ये लिखा गया u माइनस हाफ, u माइनस हाफ इंटू यू, यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और बाहर जो पड़ा हुआ था डेल्टा थ्री वाई माइनस वन, डेल्टा थ्री वाई माइनस वन। इसी तरीके से हम और आगे सब्स्टिट्यूशन करते तो ये और फैलता चला जाता। वही यहाँ पर एक और स्टेप लिखा गया है, यू प्लस वन यू, यू माइनस वन, यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर, डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस वन अपॉन टू। ये जो सामने लिखा गया है ये बेसल्स फार्मूला है, और इस तरीके से बेसल्स फार्मूले का डेरिवेशन होता है। उम्मीद करते हैं कि ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बाय द वे अगर फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो मैसेज करके पूछ सकते हो, हम इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल ये प्रूफ पहले नोट कर लो तुम लोग, उसके बाद फिर आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल उठाते हैं। फिर गौर करना, ये बेसल्स का ही फार्मूला लिखा गया है सामने। बेसल्स के फार्मूले को देखो और उसके बाद कुछ चीजें जो सामने निकल करके आती हैं, जो इस फार्मूले को और या फिर टेबल से सीधे फार्मूला लिखने में हेल्पफुल होता है। द फार्मूला इन्वॉल्व, ये जो फार्मूला लिखा गया है ये फार्मूला इन्वॉल्व करता है ऑड डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के नीचे जितने ऑड डिफरेंसेस होते हैं उनको चुनता है। ऑड डिफरेंसेस देखना, डेल्टा थ्री वाई माइनस वन ये सेंट्रल लाइन के नीचे होता है। इस तरह से जितने भी ऑड डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सारे सेंट्रल लाइन के नीचे हैं, ये उनको सिलेक्ट करता है। द फार्मूला इन्वॉल्व, ये फार्मूला इन्वॉल्व करता है डेल्टा वाई जीरो, ये भी सेंट्रल लाइन के नीचे होता है। ये एक खाका तैयार किए, सेंट्रल लाइन पर वाई जीरो होता है, डेल्टा टू वाई माइनस वन होता है, डेल्टा फोर वाई माइनस थ्री होता है, और सेंट्रल लाइन के जो नीचे होता है वो ऑड डिफरेंसेस डेल्टा वाई जीरो होता है, डेल्टा थ्री वाई माइनस वन होता है। इसी तरह से अगला होगा सेंट्रल लाइन के नीचे वाली जो लाइन होती है वाई जीरो के नीचे वाई वन होता है, डेल्टा टू वाई माइनस वन सेंट्रल लाइन पर होता है और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन पर डेल्टा टू वाई जीरो होता है, सेंट्रल लाइन पर डेल्टा फोर वाई माइनस टू होता है, उसके जस्ट नीचे डेल्टा फोर वाई माइनस वन होता है। लिखा गया द फार्मूला इन्वॉल्व्स ऑड डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन एंड मींस औसत लेता है ऑफ द इवन डिफरेंसेस ऑन एंड बिलो द सेंट्रल लाइन। ये रहा ऑन एंड बिलो द सेंटर लाइन, ऑन एंड बिलो द सेंटर लाइन, इनका औसत ले रहा है एवरेज y0 plus y1 upon 2, ये रहा y0 plus y1 upon 2। फिर देखना सेंटर लाइन पर उसके जस्ट नीचे का औसत डेल्टा टू y माइनस वन, डेल्टा टू y0, ये इवन है, इवन इवन इनका क्या लिया औसत, देखो डेल्टा टू y माइनस वन प्लस डेल्टा टू y0 upon 2। फिर अगला इसी तरीके से डेल्टा फोर वाई माइनस टू, डेल्टा फोर वाई माइनस वन, ये भी इवन डिफरेंसेस हैं, इनका औसत लेगा ये लास्ट में डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस वन अपॉन टू अप टू स्क्वायर। ये एक समझ की बात है। ठीक, फिर गौर करना, जिस दिन यू की वैल्यू कैलकुलेट की गई वही एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, एक्स जिस पर चाहिए आपको वो आर्गूमेंट, एक्स जीरो जिसे आप ओरिजिन मानोगे, और एच इंटरवल जो डिफरेंस चल रहा है। अगर यू की वैल्यू हाफ हो जाए तो गौर करो u हाफ के साथ यहां बैठा है किस पे, ऑड डिफरेंसेस पर। फिर अगला देखना u हाफ के साथ बैठा है ऑड, मतलब हर बार u माइनस हाफ के साथ ऑड डिफरेंसेस पर ही मिलेगा। तो कहा जा रहा है जिस दिन u की वैल्यू हाफ हो जाएगी द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिफरेंसेस आर जीरो, यानी अगर आपने u = 1/2 मिला तो बेहतर होगा बेसल्स के फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस दिन बेसल्स का फार्मूला घट रहा है, जितने ऑड डिफरेंसेस वाले टर्म आ रहे हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये वापस देखना, हाफ रखते ही प्लस हाफ माइनस हाफ ये पूरा जीरो, हाफ रखते ही ये पूरा टर्म जीरो, इसी तरह से अगला जो टर्म रहा होगा वो भी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऑड डिफरेंसेस खत्म हो गए, आपको सिर्फ और सिर्फ इवन डिफरेंसेस वाले टर्म पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये बेसल्स फार्मूले की सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए ना जब आपको दो टर्म के मिड का टर्म मिडवे टर्म निकालने हो तो आप बेसल्स फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए, और यू की वैल्यू हाफ आ रही हो तो u की वैल्यू हाफ आने पर एक बड़े टर्म खत्म हो जाएंगे। ये नोट कर लो तुम लोग, उसके बाद फिर आगे इसकी शुरुआत करते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल की बारी है। अगला न्यूमेरिकल ये बेसल्स पर पहला न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x। जो नीचे आपको टेबल दी जा रही है
वो टेबल x के कुछ मान के लिए इस लिखे गए इंटीग्रल की वैल्यू बता रही है, यानी एंट्री y दे रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, आप इसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए जब जो अपर लिमिट x दी गई है वो अपर लिमिट 0.5437 हो, ठीक, यूजिंग द बेसल्स फार्मूला। और ये काम करना है बेसल्स फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। जो टेबल दी गई है वो है, जब x की वैल्यू 0.51 है तो एंट्री y यानी इंटीग्रल का मान आ रहा है 0.5292437। x की वैल्यू आर्गुमेंट 0.52 होने पर एंट्री है 0.5378987। आर्गुमेंट x इज इक्वल टू 0.53 पर एंट्री है 0.5464641। फिर x 0.54 होने पर एंट्री y है 0.5549392। इसी तरह से आर्गुमेंट 0.55 पर एंट्री है 0.5633233। 0.56 x बराबर 0.56 पर y है 0.5716157। y फिर से अगला x 0.57 होने पर y है 0.5798158। इस इंटीग्रल की वैल्यू इस टेबल की हेल्प से निकालनी है, और जिस आर्गुमेंट पर निकालनी है वो है 0.5437। सबसे पहला काम करते हैं, x0 इज इक्वल टू 0.54, इसे ओरिजिन मान लेते हैं, मिड में आकर के मानते हैं ओरिजिन को, ठीक, 0.54 को ओरिजिन मानते हैं, ये हमारा x0 हो गया। अगर आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 0.51 से सीधे 0.52 पर आ रहे हैं, इसका मतलब घटाने पर मिलता है कि जो हमारा इंटरवल का डिफरेंस है h वो है 0.01। u कैलकुलेट करके निकालते हैं क्योंकि इसी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले में। तो u इज इक्वल टू होता है x माइनस x जीरो, x जहाँ आपको निकालना है इंटीग्रल का मान, माइनस x जीरो जो आपने ओरिजिन माना है, अपॉन h यानी 0.5437 माइनस 0.54 अपॉन 0.01। सॉल्व करने पर यह मिलता है 0.37। इसकी टेबल बनाते वक्त एक काम करेंगे, जितनी भी एंट्री दी गई है वो गौर करो तो टोटल दशमलव के बाद 7 अंक तक दी गई है। तो जब टेबल बनाएंगे तो जितने भी उसमें वाई लिखेंगे, डेल्टा वाई लिखेंगे, डेल्टा टू वाई, डेल्टा थ्री वाई, डेल्टा फोर वाई, जहाँ तक जाएंगे वहाँ हर जगह पर हम 10^7 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 10^7 से डिवाइड कर दिया जाएगा। न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला टेबल सेटअप करते हैं। टेबल में इधर आर्गुमेंट x 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57 ये आर्गुमेंट का हिस्सा हो गया। इसके बाद u का बनाते हैं। ओरिजिन अगर याद हो तो हमने ओरिजिन माना हुआ था 0.54 को, तो इसके सामने 0 रख दिया। इसके बाद ये 0 y 0 के साथ नहीं है, ये बस इसके लिए लिखा गया है। ये हमारा ओरिजिन है 0। ओरिजिन के आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, पीछे चलते हैं -1, -2, -3। फर्स्ट फॉरवर्ड या पहले अब जो एंट्री वाई थी, वाई हम 10^7 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं क्योंकि सब दशमलव के बाद 7 अंक तक चले हुए थे, इसलिए सबको इंटीजर में चेंज करने के लिए 10^7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाई इंटू 10^7 ये आएगा, वहां था 0.5292437, 10^7 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हट गया। सेम कंडीशन अगले वाले, यह हिस्सा 0.52, इस पर जो एंट्री दी गई थी वो थी 0.5378987, 10^7 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट गया, बाकी सारे इंटीजर में मौजूद। इसी तरीके से 0.53 पर था 0.5464641, इसको 10^7 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट खत्म हो गया। सेम कंडीशन, बाकी की एंट्री सारी लिख लिए हैं, ठीक। अब जो हमें चाहिए उसको हम ब्रैकेट में बंद करते चलते हैं। सबसे पहला वाई जीरो, एक ये चाहिए, उसके बाद हमें y1 चाहिए, तो ये y1 है, ऊपर वाला जो ओरिजिन पर है ये y0 है और जो 1 पर है ये y1 है, तो इन दोनों को हम घेरे में मार लेते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y, इसको भी अब जितने आएंगे ना, जब यहाँ 10^7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जितने आएंगे वो सारे 10^7 से मल्टीप्लाई होकर के आएंगे, तो इनमें से ऊपर वाले को घटाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर वाले को घटाएंगे, ये आएगा, सामने लिखा हुआ है पूरा टेबल 86,550 ये बनेगा। जब इसमें से ऊपर वाला घटाएंगे कैलकुलेटर से, हालांकि सारे लोग इसको चेक कर लेना क्योंकि ये गलत हो सकता है, वैसे ही कैलकुलेशन के रफली, इनमें से इनको घटाएंगे ये आएगा 85,654। इसी तरीके से इसमें से ऊपर वाले को घटाएंगे ये आएगा 84,775, ठीक। अब एक चीज गौर करना, जो हमें चाहिए हम उसको फार्मूले से देखते चल रहे हैं,
फार्मूले से हमको वाई जीरो चाहिए, वाई वन चाहिए, उसके बाद हमको डेल्टा वाई जीरो चाहिए, फिर हमको डेल्टा वाई जीरो के बाद अगला डेल्टा टू वाई माइनस वन चाहिए था, फिर डेल्टा फोर वाई जीरो चाहिए था, इसलिए हम उनको घेरे में मानते चल रहे। डेल्टा वाई माइनस वन इसको घेरे में कर लिया, इनमें से ऊपर वाले को हटाएंगे तो ये वास्तविकता में ना वाई वन माइनस वाई जीरो है, तो एक स्टेप आगे बढ़ के डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल्टा वाई जीरो होगा। इसी तरीके से नीचे से ऊपर वाले को हटाया 82924, फिर नीचे से ऊपर वाले को 82001, ये आ गया। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस तैयार करते हैं, ये भी 10^7 का मल्टीपल होगा, नीचे से ऊपर वाला घटाएंगे -896, फिर इनमें ऊपर वाला -903, इससे ऊपर वाला घटाएंगे -910, जो -910 होगा वो गौर करना डेल्टा वाई जीरो माइनस डेल्टा वाई माइनस वन, तो एक कदम आगे बढ़ के पीछे वाले से डिफरेंस निकालने होगा डेल्टा टू वाई माइनस वन, ये और इसकी हमको रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको लिख लिया। अब फिर इनमें से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो चूंकि एक कदम आगे बढ़ के पीछे वाले से घटा रहे हैं तो ये होगा डेल्टा टू वाई जीरो, ठीक, -917 आएगा, नीचे से ऊपर वाला घटाए -923 आया। सेम कंडीशन थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल, नीचे से ऊपर वाला घटाते ही ये हो गया -7, फिर इनमें से ऊपर वाला घटाते ही ये बनेगा, ये भी -7, -917 से -910, तो -917 -910 यानी -917 +910 -7, फिर -923 और ऊपर से -917, माइनस माइनस करते ही ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, ये आएगा -6, ठीक। इसी तरीके से चौथा डिफरेंस निकाल लेते हैं, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू 10^7, -7 -7 जीरो, अगला वाला हिस्सा फिर से जीरो, फिर अगला वाला हिस्सा -6 -1 दैट इज +1, ये रहा। और जो चाहिए था उसके आगे हमने ये ब्रैकेट बनाते हुए ये काम तुम लोग करना। हाँ, ये अगर लगे ना कि अंदाजे से लिखा गया, अंदाजे से नहीं लिखा गया, सिंपल हम लोग जानते थे ये कौन है वाई माइनस टू, ऊपर वाला कौन है वाई माइनस थ्री, तो वाई माइनस टू से वाई माइनस थ्री को हटाएंगे तो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई माइनस थ्री तैयार होगा। तो ये डेल्टा वाई माइनस थ्री है, ये डेल्टा वाई माइनस टू है, ये डेल्टा वाई माइनस वन है, ये डेल्टा वाई जीरो है, ये डेल्टा वाई वन है, ये डेल्टा वाई टू है। इसी आधार पर लिखा हमने सिर्फ उनके सामने है जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है, लिखने को तुम लोग टेबल में जगह रहेगी, यहाँ हम पूरे पर लिख देते ना तो बड़ा हौच पास हो जाता, इसीलिए तुम लोग कॉपी में हर एक लिखना जिससे ये दिक्कत ना है। अब अगला काम करते हैं, सारी एंट्री जितनी हमको चाहिए थी वो हमारे पास मौजूद है, अब बेसल्स के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। बेसल्स का फार्मूला बगल में लिखा गया है, बाय बेसल्स फार्मूला, चूंकि सबको 10^7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो अब जो हमको y एट 0.5437 चाहिए था वो भी 10^7 के मल्टीप्लाई में आएगा। तो पहले एक बार बेसल्स का फार्मूला लिख लेते हैं, बेसल्स का फार्मूला अपना 10^7 इंटू वाई एट 0.5437 इज इक्वल टू, सबसे पहले मेन फार्मूला लिख लो और पूरे में बाहर 10^7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वाई जीरो प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस यू माइनस हाफ डेल्टा वाई जीरो, गौर करो डेल्टा वाई जीरो हमको चाहिए, वाई जीरो वाई वन चाहिए, तो ये वाई जीरो वाई वन पे ब्रैकेट बनाया है। अगला देखना यू माइनस हाफ, यू कैलकुलेट ही कर चुके हैं, ठीक, डेल्टा वाई जीरो, ये रहा डेल्टा वाई जीरो, ये हमको चाहिए था, इसको लिखा प्लस यू यू माइनस वन अपॉन टू डेल्टा टू वाई माइनस वन प्लस डेल्टा टू वाई जीरो अपॉन टू डेल्टा टू वाई माइनस वन, ये रहा डेल्टा टू वाई माइनस वन, इसको भी शामिल कर लिया, डेल्टा टू वाई जीरो चाहिए वो भी शामिल, प्लस यू माइनस हाफ यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा थ्री वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू फैक्टोरियल फोर अपॉन में इंटू डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट में और अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा और ब्रैकेट क्लोज, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा फार्मूला है और पूरे फार्मूले में बाहर मल्टीप्लाई हो गया 10^7 का, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा उसे एक्यूरेट चाहने के लिए हमको उसमें 10^7 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही 7 अंक से पहले दशमलव लगा लेंगे हम लोग, ये हो गया। अब इसके बाद केवल एक काम करना है, फार्मूले में बारी बारी उठा करके वैल्यू को पुट करना है। शुरुआत करते हैं, वैल्यू पुट की गई, वैल्यू पुट करने पर वाई जीरो प्लस वाई वन अपॉन टू इसकी वैल्यू मिलती है 5591312.5, ये मिला, प्लस यू माइनस हाफ, तो यू की वैल्यू थी 0.37 माइनस हाफ इंटू डेल्टा वाई जीरो था 83841 प्लस अगला हिस्सा यू यू माइनस वन अपॉन टू, तो 0.37 यू 0.37 माइनस वन यू माइनस वन अपॉन टू और बगल में जो वैल्यू है वो रखी जाएगी डेल्टा टू
वाई माइनस वन प्लस डेल्टा टू वाई वाई जीरो अपॉन टू, इनका एवरेज निकाल करके रखा माइनस 913.5 ये हुआ। इसी तरीके से आगे बढ़ते u माइनस हाफ 0.37 माइनस हाफ इंटू यू 0.37 इंटू यू माइनस वन 0.37 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको लिख दिया 3 × 6 ये रहा। और डेल्टा 3 y माइनस वन टेबल में चेक करें माइनस वन है, प्लस u प्लस वन 0.37 प्लस वन इंटू यू 0.37 u माइनस वन 0.37 माइनस वन u माइनस टू 0.37 माइनस टू अपॉन ये जो फैक्टोरियल 4 था 4 × 12 × 24 इसको 24 लिख दिया और इनटू साथ में डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पर 1 अपॉन 2 रख दिया। जब इनको सॉल्व करते हैं तो पहला टर्म तो एज इट इज उतर आया, जब इस हिस्से को सॉल्व किया सेकंड वाले टर्म को तो ये आता है माइनस साइन के साथ माइनस 108.99.33 ये सेकंड टर्म से आया। थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं तो थर्ड टर्म ये वाला पूरा हिस्सा ये इतना निकल के आता है और इसके बाद वाले टर्म जब हम देखते हैं ना तो ये काफी ज्यादा छोटे होते चले जाते हैं, तो दशमलव के बाद नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तुम लोगों की मर्जी, तुम लोग इसको लिखना चाहो लिखो, हम इधर वाले हिस्से को नेग्लेक्ट कर दिए हैं ठीक। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम इसको कितना और आगे लेकर के जाते हो। दिस इज इक्वल टू इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो ये आता है 5580519.64। अब बारी बात कि अब कंडीशन ये है कि हमें 10^7 से मल्टीप्लाई होकर के ये रिजल्ट मिला है तो 7 अंक के इधर दशमलव खिसका लेते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 यानी पूरा दशमलव उठा करके आगे कर दो y at 0.5437 is equal to 0.5580519.64 ये इस न्यूमेरिकल का आंसर आता है ठीक। ये इतनी बातें हुई, इसके बाद की बातें अगले वाले वीडियो में फिर करेंगे और वो वीडियो आज शाम तक फिर से अपलोड कर देंगे अगेन एक वीडियो। इधर अब लगातार ऐसे ही करेंगे, पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद फिर वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, इससे तुम लोगों का भी कह सकते हैं ना वो साथ साथ इंतजार करने वाला टाइम बचेगा, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन ही से चेक कर लेना एक बार लेकिन ठीक।